तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को आयोजित होने वाले 47वें दीक्षांत समारोह को लेकर टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल बुधवार को स्टीयरिंग कमेटी और सभी समितियों के साथ टीएनबी कॉलेज स्टेडियम स्थित आयोजन स्थल पहुंचे, जहां कुलपति ने निरीक्षण किया। इस दौरान कुलपति ने राजभवन सचिवालय से प्राप्त हुए दीक्षांत समारोह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजन के दौरान कुलाधिपति के प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखे जाने की बात कही। बता दें कि 26 अप्रैल को टीएमबीयू के द्वारा आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में कुल 156 लोगों को गोल्ड मेडल दिया जाना है, जिसमें 91 गोल्ड मेडल छात्राओं को और शेष 65 गोल्ड मेडल छात्रों को दिए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021 के लिए 2 लोगों को डिलीट की उपाधि भी दी जाएगी, जिसमें इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कुमारी शाह और बांग्ला के डॉक्टर कोयल चक्रवर्ती शामिल हैं। साथ ही अलग अलग विषय में 96 लोगों को PhD की उपाधि प्रदान की जाएगी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर करेंगे, जबकि समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजवर्धन आजाद शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच समारोह में शामिल होने की बात कही जा रही है। बता दें कि कुलाधिपति के आगमन को लेकर टीएनबी कॉलेज प्राचार्य आवास के पास स्थित ग्राउंड पर हेलीपैड भी बनाया गया है। नहीं नहीं तो वो मिलना चालू हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि इतने पहला बार एक कन्वोकेशन है जहां 2000 छात्र आ रहे हैं, 156 गोल्ड मेडल बांटना, आप समझ सकते हैं ना। तो वैसे डिग्रियाँ बांटनी है तो छात्रों की चूँकि संख्या ज़्यादा है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको पहले मिल जाए, और नहीं तो ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है, सारे चीज़ मिल रहे हैं। फिर से भी बटना शुरू हो गया, कोई परेशानी नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं, किसी को भी नहीं होगी। छात्रों के लिए ही तो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी परेशानी क्यों होगी, हम लोग उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन रोड में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर रेल प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान रेल विभाग के कई अधिकारी, RPF एवं GRP के जवान और स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ अंचलाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में स्टेशन रोड सहित रेलवे बस स्टैंड की जमीन पर रह रहे अतिक्रमणकारियों की दुकानें एवं कई घरों पर बुलडोजर चला। इसको लेकर रेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई वर्षों से रेलवे के जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान एवं घर बना लिया गया था और सभी को जगह खाली करने का निर्देश देने के बावजूद खाली नहीं किया जा रहा था, जिससे यहां आने जाने वाले रेल यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही थी। साथ ही बताया कि मंगलवार को स्थानीय पुलिस प्रशासन, अंचल अधिकारी और रेल विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मौके पर सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार, RPF इंस्पेक्टर शिवशंकर सिंह, MK शर्मा, GRP राजीव रंजन, PWI के अधिकारी, थानाध्यक्ष, अंचला अधिकारी सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मंगलवार को सदर अस्पताल समेत सभी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं सदर अस्पताल परिसर से सिविल सर्जन डॉक्टर अर्चना कुमारी की अगुवाई में रैली निकाली गई। इस दौरान सिविल सर्जन ने मलेरिया के लक्षण, जाँच, उपचार एवं बचाव से संबंधित जानकारी देते हुए सभी लोगों से जागरूक होने की अपील की। CS ने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जिसमें मरीज को बुखार होता है और यह किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। उन्होंने बताया कि मलेरिया बुखार में मरीज को कपकपी के साथ तेज बुखार आता है, जो बढ़कर 103 से 105 डिग्री तक बढ़ सकता है, जबकि कुछ घंटों के बाद पसीने के साथ बुखार उतर जाता है, लेकिन यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है। साथ ही उन्होंने फाल्सीपेरम मलेरिया होने पर रोगी की हालत गंभीर हो जाने की बात कही, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, और इसमें मरीज के शरीर में खून की कमी हो जाती है और बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है, जबकि फेफड़े में सूजन हो जाती है। सिविल सर्जन ने कहा कि पीलिया एवं गुर्दे की खराबी
फालसी पेरम मलेरिया की मुख्य पहचान है। वहीं प्रभारी जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर दीना नाथ ने मलेरिया से बचाव की सलाह देते हुए कहा कि सभी लोग पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े पहने और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही घर के आसपास जल जमाव वाली जगहों को मिट्टी से भर देने और जल जमाव वाले स्थान पर केरोसिन तेल या डीजल का छिड़काव करने की बात कही। इधर रैली सदर अस्पताल से निकलकर घंटाघर होते हुए विभिन्न चौक चौराहों से गुजरी और शहरवासियों को मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक किया। पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों को जहां तेज गर्मी से राहत मिली है, वहीं आसमान में छाए हल्के बादल और बारिश की फुहार के कारण माहौल सुहावना हो गया है। इसको लेकर सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 26 से 30 अप्रैल तक जिले में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूर्वी हवा चलने की भी संभावना है, जबकि हवा की औसत गति 7 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 26 से 27 अप्रैल के बीच तेज हवा चलने की संभावना है और इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी की भी संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि किसानों को कटनी किए गए फसल को सुरक्षित रखने की सलाह देते हुए मूंग की बुआई करने और आवश्यकता के अनुसार गर्मा सब्जियों की सिंचाई करने की सलाह दी गई। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। मेरा नाम आरके सिंह है और मैं बरियातू रांची का रहने वाला हूँ और मुझे 4 साल से डायबिटीज था। जीटामेट प्लस दवा खाते थे, जीटामेट 2000, और यही खा करके कंट्रोल किए हुए थे। फिर जब डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, एक्चुअली हमारे कलीग, हमारे ऑफिस के कुछ कलीग यहाँ इलाज करा रहे थे तो उन्होंने बहुत फ़ायदा हुआ था। तो वही हम भी ट्रायल में आए थे, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था पढ़ने, तो ट्रायल में आए तो जब यहाँ का दवा हम खाए जो इन लोग परहेज जैसे बताए किए, तो एक महीना के बाद ही मेरा डाउन होने लगा। तो 2 महीना से मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। धीरे धीरे सब दवा छूट गया। पहले अंग्रेजी दवा छूटा और अंग्रेजी दवा को पहले पावर कम किए डॉक्टर, और उसके बाद फिर पूरा दवा छूट गया इंग्लिश, और एलोपैथ दवा छूटने के बाद सिर्फ ये इनका दवा चला, और 2 महीना से इनका दवा भी नहीं चल रहा है। और मेरा शुगर अभी 122 है खाना खाने के बाद, चावल वगैरह सब, चावल आलू का सब्जी चोखा सब खाने के बाद भी मेरा 122 है पिछले सैटरडे का रिपोर्ट, और इसके पिछले हफ्ते का था 128। तो मेरा रेंज में रह रहा है, मतलब 130 से ऊपर नहीं जा रहा है पूरा खाना खाने के बाद भी।
जिला प्राथमिक शिक्षक संघ सुल्तानगंज की ओर से मंगलवार को सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में काला बिल्ला लगाकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष त्रिभुवन राम ने की। वहीं इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष त्रिभुवन राम ने कहा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में बिहार सरकार से 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें बिहार सरकार से नियुक्ति नियमावली 2023 में सुधार कर पूर्व में नियुक्त सभी निकाय शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की गई है। साथ ही सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देते हुए स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने की बात धरना दे रहे शिक्षकों ने कही। वहीं इसको लेकर 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को सौंप कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ज्ञापन पहुंचा आने की बात कही गई। मौके पर शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, रंजित कुमार, ललिता कुमारी, अनीता राय सहित काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। हम लोगों का कहना है कि हम लोग शिक्षक को विभिन्न नाम से जाने जाते हैं, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक, और सभी नामों को हटा करके सभी को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोग चूँकि सारा कार्य उसी प्रकार से करते हैं, इसमें हम लोग का विभिन्न मांग था। उस मूल मांगों में से 8 सूत्री मांग हम लोगों का है, उसमें से MSCP का लाभ है, अनुकंपा पर नौकरी नियमित रूप से करने का मांग है, इस तरह से हम लोगों का जो है DA का मांग है, बहुत सारा मांग है। मना दे रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो एक नया वर्ग संवर्ग पैदा किया जा रहा है, अध्यापक संवर्ग, शिक्षक शब्द हटा करके अध्यापक शब्द लाया जा रहा है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि शिक्षक पहले से कार्यरत है, सब कुछ काम चल रहा है, फिर एक नया संवर्ग उसी विद्यालय में 3 तरह के अब शिक्षक हो जाएंगे, एक पुराने शिक्षक हैं, एक जो न्यू इकाई के द्वारा चयनित शिक्षक हैं वो हो जाएंगे, और अब BPSC के द्वारा अध्यापक होंगे वह भी उसी विद्यालय में काम करें, ये कहाँ का 3 तरह का रूल हो गया सरकार को। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड परिसर में दिव्यांगों के लिए निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मंगलवार की सुबह 9 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं लोगों की भारी भीड़ को देखते ही सारे कर्मी परेशान हो गए, जबकि वहां मौजूद कई लोगों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं था, जिसके कारण कई लोगों को घूमकर वापस भी जाना पड़ा। इधर भागलपुर से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी चंदन चक्रवर्ती पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिविर में पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने खुद पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शिविर में भीड़ अत्यधिक हो जाने के कारण उन्होंने डॉक्टरों की टीम को सही ढंग से काम करने के लिए बोला, जिसको लेकर उन पर ही अव्यवस्था का आरोप लगा दिया गया। हालांकि दोपहर बाद भागलपुर सांसद अजय मंडल भी पीरपैंती ब्लॉक स्थित शिविर में पहुंचे और परीक्षण शिविर में चल रहे कार्यों का मुआयना कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। वहीं सांसद अजय मंडल ने प्रखंड में पिछले 1.5 वर्षों से अंचलाधिकारी की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर कहा कि इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जिसके बाद 4 लाख की आबादी वाले पीरपैंती प्रखंड में CO की नियुक्ति नहीं किए जाने के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, जबकि सांसद ने भी इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के ओर से जो व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था उपलब्ध है, और इस व्यवस्थाओं में क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, दिव्यांगजनों को जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिले। किस तरह का सर ये योजना है जो लोगों को सहायता, या कितने लोगों को मिल सकता है? सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक योजना है जो प्रत्येक प्रखंड में हमारे भारत के लोकसभा में दिव्यांगजनों के लिए किया जा रहा है।